डब्बे पर कुछ नंबर लिखे देखे होंगे, इसे हम कोच नंबर कहते हैं। ये 5 डिजिट यानी 5 अक्षर का होता है। शुरुआत के जो 2 डिजिट होते हैं ये इस साल को दर्शाते हैं कि किस साल में ये कोच बना हुआ है, और लास्ट के जो 3 डिजिट होते हैं वो टाइप को दर्शाते हैं किस टाइप का ये कोच है। जैसे इसके शुरू में लिखा है 04 यानी ये 2004 का बना हुआ है, लास्ट में पढ़िए 052 ये एसी कोच को दर्शाता है। देखिए एसी कोच 1 नंबर का डिब्बा माना जाता है, तो 1 से लेकर 200 तक का नंबर ये एसी कोच को दर्शाते हैं, 1 से लेकर 200 तक का। तो आप बताइए 52 किस में आएगा, 1 से लेकर 200 के बीच में, यानी ये एसी डिब्बा है। और शुरुआत का 2 अक्षर 04 ये बता रहा है कि 2004 का बना हुआ है। अब एसी के बाद 2nd नंबर आता है किसका, स्लीपर का। तो 1 से 200 एसी हो गया, तो 200 से लेकर 400 तक स्लीपर होगा, स्लीपर बोगी 200 से 400 होगा। आप देखिए इसमें लिखा है 98 335, तो 98 क्या है कि ये डिब्बा भैया 1998 का बना है, 335, तो ये 200 से 400 के बीच में आएगा। ये कौन सा है, तो स्लीपर को ये दर्शा रहा है। स्लीपर के बाद आता है आपका जनरल, तो जनरल कहां से होगा, तो भाई 1 से 200 एसी हो गया, 200 से 400 स्लीपर हो गया, तो 400 से लेके 600 के बीच में आपका जनरल डिब्बा आ जाएगा। आप यहां पर ये लिखा है, हम यहाँ बड़ा लिख देते हैं 12429, तो ये कब का बना है, 2012 का। 429 देखिए 400 से लेके 600 के बीच में आएगा, अतः ये जनरल डिब्बा है। जनरल डिब्बे की 2 और पहचान आपको बता दी है कि आपके दरवाजे इसमें कितने दिखाई देंगे, 3 दरवाजे इसमें दिखाई देंगे, साथ में साइड में यहाँ इसे लाइनिंग भी दिखाई देगी। अब 600 से 700 चेयर कार को दर्शाता है। देखिए ट्रेन में जब भीड़ ज्यादा हो जाए और सबको रिजर्वेशन नहीं दे पाती है, तो कम दूरी के लिए चेयर कार दे दिया जाता है। उसमें काफी अच्छा चेयर होता है, आरामदायक होता है फ्लाइट के जैसे, जैसे जन शताब्दी हो गया, इसमें केवल आपको बैठने के लिए यही मिलेगा और इसका भी रिजर्वेशन होता है। तो वो चेयर कार के डिब्बा को दर्शाया जाता है, कहां से, 600 से लेके 700 तक के चेयर कार को दर्शाया जाता है। जैसे यहां लिखा है 02615, अब बताइए 2002 की बनी है, 615 तो इसी के बीच में आएगा। ये जन शताब्दी ट्रेन है और ये चेयर कार डिब्बा को दर्शा रहा है। अब 700 से 800 तक का नंबर जो होता है वो सीटिंग कॉम लगेज को दर्शाता है। जब कभी रेलवे को ऐसे डिब्बे भेजने रहते हैं कि जिसमें ज्यादा सामान नहीं ले जाना है, तो क्या करते हैं, उस डिब्बे में आधा बैठने का जगह बना देता है सीटिंग के लिए और आधा लगेज को बना देता है, और इसी को हम लोग कहते हैं सीटिंग कॉम लगेज। इसका नंबर 700 से 800 के बीच में होता है। आप यहां पढ़िएगा लिखा है 08701, तो आप बताइए 701 तो 700 और 800 के बीच में ही आएगा, अतः यह सीटिंग कॉम लगेज है। आधा जो लगेज होगा और आधा में आदमी बैठेंगे, तो इसको जनरली रेलवे क्या करती है कि इसको विकलांग श्रेणी में डाल देती है, क्योंकि हैंडीकैप की संख्या कम होती है, तो उनको इसी में डाल देती है कि भाई आप इसमें सेफ रहिए। तो ये आप इसको पहचान सकते हैं, ये 2008 का है। अब जिस भी डिब्बे के ऊपर 800 से ज्यादा का नंबर लिखा रहता है, तो या तो वो चिट्ठी ले जाने वाली बोगी होगी या तो पेंट्री कार वाला होगा। जैसे देखिए पेंट्री कार में क्या लिखा 805, तो 805 ये नहीं 800 से ज्यादा है, तभी तो क्या लिखा है भाई पेंट्री कार का 800 से 5 है। जैसे यहाँ आप पढ़िए तो 15 का मतलब क्या है भाई, 2015 का है, 857 800 से ज्यादा जनरेटर कार है, तो 800 से ज्यादा में या तो पेंट्री कार होगा या तो फिर मेल वाला होगा जो चिट्ठी ले जाता है, या तो जनरेटर कार होगा। आप यहाँ एक चीज देखेंगे, यहाँ सी लिखा हुआ है। सी किस चीज को दर्शा रहा है, कि कॉपलिंग को दर्शा रहा है, कि ये सीबीसी कॉपलिंग है और इसमें साइड बफर